नमस्कार, कांतागर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए हमने ये सामान लिया है। ये हमने लिए 150 ग्राम सूजी, इसमें डालने के लिए दही 100 ग्राम, और ये कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो धनिया, हरा धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकते हो कट करके। ये इनो, बेकिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल, ये ऑयल, और ये नमक। ये हमने पानी लिया है, तो हम एक बड़ा बाउल लेंगे और ये वाली सूजी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे। और इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। इस तरह से हमें इसका घोल बनाना है, क्योंकि थोड़ा हमने पानी थोड़े ज़्यादा डाला है, सूजी फूलती है, इसलिए थोड़ा हम पानी ज़्यादा डाला है। इसमें लगभग 1 गिलास के करीब पानी गल चुका है। ये हमने 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं अब इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। और इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी लम्प्स ना रहे। और ये हम कसूरी मेथी डालेंगे, चाहे तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं। दो मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इडली का सांचा लेंगे। ये हमारा इडली स्टैंड है। हम माइक्रोवेव में इडली बना रहे हैं, तो ये हमारे माइक्रोवेव की इडली स्टैंड। अब हम इसमें ब्रश से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी इडली बनाते टाइम चिपके ना। इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। इसी तरह हम सारे इडली स्टैंड में ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ये हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम अपना ओवन 1 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। ये हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है। इधर हम इसमें देखते हैं, हमारी सूजी और फूल चुकी है। ये देखिए, हमारी सूजी अब ये बैटर इडली के लिए तैयार है। इधर हम 1/2 गिलास पानी इसमें डालेंगे स्टैंड में। और अब हम ये लास्ट में इनो डालेंगे, 1 पैकेट इनो डालना है हमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये देखिए हमने घोल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम ये थोड़ा थोड़ा ये इडली स्टैंड में सांचों में डाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से हम ये सभी सांचों में भर लेंगे। और अब हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला था, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लेते हैं। ये 5 मिनट पे हम माइक्रोवेव में पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारी इडली बनकर तैयार है कि नहीं। ये हम रिबन निकालेंगे। हमारी इडली बन चुकी है, हम ये चाकू से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इडली बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इडली हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमें आराम से एक एक करके इस तरह से इडली को निकालना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट इडली बनी है। इसी तरह हम ये सारी इडलियां निकाल लेंगे। और हमारा जो बैटर था ये हम एक्स्ट्रा इसी तरह हम ये बाकी का घोल भी इसी तरह इडलियां और बना लेंगे। ये देखिए अब हमें हमारी रवा इडली बनकर तैयार। अगर मेरी रवा इडली की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।